प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट। तो क्लास है बच्चों सेकंड, सप्ताह है 10। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबा करके सभी मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देखिए बच्चों, हमें आज का जो उपविषय है वो है जानवर और उनकी आवाज़ें। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ जानवर के नाम दिए गए हैं, तो हमें उनकी आवाज़ें हमें बतानी हैं। ठीक है, इसी तरह से हमें ये वर्कशीट सॉल्व करनी है। तो पहला प्रश्न देखिए, चित्र देखकर जानवर का नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, हमारे यहाँ कौन कौन से जानवर हैं। तो ये है हमारा घोड़ा, ये है बच्चों हमारी गाय, इसे बोलते हैं बच्चों हम हिरन, ये है हमारी भैंस, ठीक है, ये है बंदर और ये है जिराफ। ठीक है बच्चों, सभी को आया समझ में। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न दो, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि वह जानवर कैसी आवाज़ निकालता है। तो देखिए बच्चों, ये चित्र हमारा घोड़े का है। घोड़ा कैसे करता है बच्चों, हिन हिनाता है। घोड़ा कैसे करता है, हिन हिनाता है। ठीक है, बंदर, बंदर कैसे करता है, बड़बड़ाता है। गधा, गधा कैसे करता है, रेंकता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बच्चों, जो हमारे भेड़ है ये कैसे करती है, मिमियाती है। शेर हमारा कैसे करता है बच्चों, दहाड़ता है। ठीक है, और कुत्ता कैसे करता है बच्चों, कुत्ता सभी को पता है, भौंकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने सभी जानवरों की आवाज़ यहाँ पे लिख दी है। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न तीन, जब आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है तो आप कैसा महसूस करते हैं। तो बच्चों, आप सभी को अच्छा नहीं लगता है, आप सभी उदास होते हैं। तो यहाँ पर सही है दूसरा। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, प्रश्न चार, बंदर के इस चित्र को कॉपी में बनाकर रंग भरिए। तो आप सभी बच्चों, ये बंदर का चित्र सभी कॉपी में बनाएंगे और इसमें सुंदर सा रंग भरेंगे। अगला खेल देखिए बच्चों, खेल खेल में, इस खेल को जोड़े में खेले, एक अन्य व्यक्ति आपके भाई बहन दोस्त या माता पिता में से कोई भी हो सकता है। तो देखिए बच्चों, खेलना कैसे है, चरण, पहला अपना चेहरा दीवार की तरफ रखते हुए किसी जानवर का आवाज़ निकाले, दूसरा व्यक्ति अगर जानवर को पहचान लेता है तो आपको फिर से जानवर की आवाज़ निकालनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को देखिए, दीवार की तरफ अपना चेहरा करना है और जानवर की आवाज़ निकालनी है, अगर दूसरा व्यक्ति उसे पहचान लेता है तो फिर से आप अलग जानवर की आवाज़ निकालेंगे। यदि दूसरा व्यक्ति जानवर को पहचान नहीं पाता है तो आप जीत जाते हैं, अब वो व्यक्ति जानवर की आवाज़ निकालेगा और आपको जानवर को पहचानना होगा, खेल ऐसे ही चलता रहेगा। तो बच्चों, ये खेल आप सभी खेलें। जीवन कौशल प्राथमिकता सहायता पेटी किसी घायल व्यक्ति को तुरंत दी जाने वाली आपातकालीन देखभाल प्राथमिक उपचार है। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य चोट को कम करना है। देखिए बच्चों, प्राथमिक सहायता पेटी क्या होती है, जिसमें बच्चों हमारे डिटॉल, पट्टी, कैंची, रुई, थर्मामीटर, ये सभी होते हैं। तो बच्चों, ये कब काम आता है बच्चों, जब किसी घायल व्यक्ति को तुरंत आपातकालीन देखभाल प्राथमिक उपचार देते हैं तो उसे प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य चोट को कम करना होता है। ठीक है बच्चों, प्रश्न देखिए, जब कोई व्यक्ति घायल हो जाता है और बुरी तरह से खून बह रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, अपने माता पिता की सहायता से उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। तो बच्चों, ऐसे समय में क्या होता है कि हमें एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए या व्यक्ति को किसी नज़दीकी अस्पताल ले जाना चाहिए, हो सके तो एम्बुलेंस आने तक प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ लिखेंगे हमें एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए, कॉल करना चाहिए तथा एम्बुलेंस आने तक प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए।
या व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल ले जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर कभी भी ऐसा हो तो आप सभी को क्या करना चाहिए, आप सभी को एम्बुलेंस को फ़ोन करना चाहिए। एम्बुलेंस अगर नहीं आती है तो आपको प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए या व्यक्ति को किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। संस्कार शाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें, आज से बेहतर कुछ नहीं क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। खाना पीना, लाल रंग की सब्जी व फल जैसे सेब, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, बैर इत्यादि को खाने में शामिल करना। गतिविधि, भारत के स्मारक स्थलों के चित्र एकत्रित करना। खेल, हम सब में से कौन लंबा कूदे। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों इस तरह से देखिए, आप सभी को अपनी वर्कशीट सॉल्व करनी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप सभी लाल बटन दबा करके सभी मेरे वीडियो को लाइक करें। लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।